لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى और अहले हदीसों तुम्हें मुबारक हो, अहले तौहीद तुम्हें मुबारक हो, इस दरख्त को काटने वालों तुम्हें मुबारक हो। तुमने अपने रसूल के सहाबा के नक्शे कदम पे चलकर उनकी सुन्नत को फिर जिंदा कर दिया। ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتج تو ابھی میں شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ کے اولیاء کی محبت وہ عظیم خزانہ ہے جس کو مل جائے وہ کائنات کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ جس کے دل میں اولیاء کی محبت کی بجائے اللہ کے ولی کی دشمنی پیدا ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے اعلان جنگ خود عرش والا اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی توحید کی طرف ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے پیارے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ عمل کرتے رہے، اس شریعت کو آگے پہنچاتے رہے، اس شریعت کو پھیلانے کے لیے، اس توحید کے آوازے کو بلند کرنے کی وجہ سے
उन पे मुसीबतें भी आईं, उन पे गम भी आए, उन पे दुख भी आए, लेकिन वो एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर मुसीबत, हर गम, हर दुख पर सब्र करते रहे। औलिया अल्लाह, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के दोस्त वही हुआ करते हैं जो अल्लाह की शरीयत पे अमल करते हैं, जो अल्लाह के दीन को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेते हैं। कायनात में इन औलिया का वजूद दुनिया वालों के लिए रहमत हुआ करता है। ये अल्लाह से दुआएं करते हैं, रब इनकी दुआएं सुनकर अपने बंदों पे रहम कर देता है। और अल्लाह के सबसे बड़े औलिया अल्लाह के अंबिया हुआ करते हैं, फिर अंबिया पर ईमान लाने वाले नबियों के साथी अर्श वाले के औलिया होते हैं। इमामुल अंबिया, इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, एक मुसलमान दाखिल हुआ, अराबी दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाते हैं, ए अल्लाह के नबी, हम हलाक हो गए, बारिशें नहीं हो रही, कहत का समा पैदा हो चुका है। इमाम अल-अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों को अर्श वाले की तरफ बुलंद किया, बारिश का सवाल किया। आसमान पर बादल न थे, सूरज की धूप, सूरज की चमक, सूरज की रोशनी धरती को मुनव्वर कर रही थी। जो ही मुस्तफ़ा के हाथ बुलंद होते हैं, अभी ये अल्लाह से मांगने वाले हाथ नीचे नहीं गिरते। सहाबा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा की दाढ़ी से बारिश के कतरे गिर रहे थे। आने वाला फिर आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हफ्ता गुजर गया, बारिश नहीं रुक रही, मकान गिर गए, रास्ते बंद हो गए, दुआ कर दीजिए अल्लाह अब इस बारिश को हमारी बजाय कहीं और मुंतकिल कर दे। मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम फिर अपने मुबारक हाथों को बुलंद करते हैं, जिधर जिधर हाथ का इशारा फरमाते हैं, अर्श वाला अल्लाह बादलों को वैसे ही फाड़ देता है, सूरज चमकने लग जाता। औलिया अल्लाह, अल्लाह इनके हाथों पर अपने दीन की नुसरत के लिए करामात भी दिखाता है, अंबिया के हाथों पर मौजज़े दिखाता है, अंबिया पर ईमान लाने वाले औलिया सहाबा कराम इनके हाथों पे मालिक करामात दिखाता है, जो अपने दीन की नुसरत के लिए दिखाता है। मौजज़ा और करामत एक नबी के हाथ पर ज़ाहिर होता है और एक वली के हाथ पर ज़ाहिर होता है, दोनों का इख्तियार अल्लाह के पास है, दोनों का इख्तियार। अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जिसके हाथ पे चाहे, जो चाहे दिखा देता है। नबी के हाथ पे मौजज़ात दिखाता है, वली के हाथ पे करामात दिखाता है। करामत की तारीफ किया है, अल अमरुल खारिकु लिल आदति यजरीहिल्लाहु अला यदि अब्दिन सालिह, खिलाफ कानून, खिलाफ आदत, खिलाफ कानून कोई ऐसा काम अल्लाह शरीयत पर पाबंद रहने वाले नेक आदमी के हाथ पे दिखाए, जिससे मकसूद दीन की इज्जत हो। आइए करामत का सबूत कुरान हकीम से लेते हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया, मालिक का फरमान गौर से सुनिए, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, जब आते हैं वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास रिज़्क पाते हैं। قال يا مريم أن لك هذا, सवाल करते हैं मरियम, ये कहाँ से, बेमौसमी फल खा रही हो, कहाँ से आए हैं?
قالت هو من عند الله, जवाब में फरमाती है ये अर्श वाला अल्लाह है, जब चाहता है अपने बंदों को जिसको चाहता है अता फरमा देता है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का फजल है। सही मुस्लिम में है एक इंतहाई इबादत गुजार शख्स अपनी इबादत में मशगूल है, एक फाहिशा जानिया औरत कौम वालों से कहती है इसको बदनाम ना करूं, वो बंद समर के उसे गुमराह करने की कोशिश करती है, कामयाब नहीं होती, चरवाहे से मुंह काला करती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लाके कौम के सामने रख देती है कि ये बड़ा इबादत गुजार बना हुआ है, नमाजी बना हुआ है, ये देखो मेरे साथ इसने ये जो कुछ किया है और ये बच्चा इसी का है, उसकी जिल्लत की कोशिश करती है। अल्लाह का ये वली आता है, उस बच्चे के पेट पे हाथ मारता है और कहता है बोल कर बता तेरा बाप कौन है। वो दूध पीता बच्चा अल्लाह के वली की सफाई देने के लिए आवाज लगाता है कि ये मेरा बाप नहीं है, वो बकरियों का चरवाहा मेरा बाप है। अल्लाह जब चाहता है जिसके हाथ में चाहता है दिखा देता है, लेकिन याद रखिए मरने के बाद, जिंदगी खत्म होने के बाद अल्लाह के प्यारे अल्लाह के अवलिया जब मर जाते हैं, रूह निकल जाती है, आखरत का सफर शुरू हो जाता है, इस दुनिया से अगले जहां में मुंतकिल हो जाते हैं, तो मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। ये करामात जिंदगी में अल्लाह दिखाता है, मानते हैं हम सहाबा कराम की करामात मानते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में मेहमान आए, खाना थोड़ा था और मेहमान ज्यादा थे, दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते रहे। बयान करने वाला कहता है लगता था कि दस्तरखान के नीचे से खाना फूट रहा है, थोड़ा सा खाना सबको पूरा आ गया, मानते हैं। लेकिन जब इंसान फौत हो जाए, मर जाए, जहां छोड़ जाए, मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। मरने के बाद उसकी बीवी रोती रहती है, उसके बच्चे बाबा 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 कहते रहते हैं, उसके भाई उसके सरहाने रोते हैं, भाई तेरे मरने से मेरा बाजू टूट गया है, तेरा वजूद मेरे लिए ताकत का सबब था, अब मैं तन्हा रह गया हूं। बूढ़ा बाप रोता रहता है, माँ रोती रहती है। जो मर जाता है वो अपने बीवी बच्चों को चुप नहीं करवा सकता, वो अपनी बूढ़ी अम्मा को चुप नहीं करवा सकता, वो बूढ़े बाप को चुप नहीं करवा सकता। उसके कपड़े कैंची से काट दिए जाते हैं, बड़े से बड़े वली हों, बड़े से बड़े बुजुर्ग हों, मरने के बाद गुसल दिया जाता है ना, कफन पहनाया जाता है, उसके कपड़े कैंची से काटे जाते हैं। वो नहीं कहता मेरे कपड़े क्यों काट रहे हो, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, पीछे हटो मैं अपने कपड़े उतार के कफन खुद पहन लेता हूं, वो नहीं कहता, वो कह भी नहीं सकता, उसका इख्तियार खत्म हो जाता है उसकी रूह निकलते ही, वो कपड़े खुद उतारने के काबिल नहीं रहता, वो कफन पहनने के काबिल नहीं रहता। अब तो आपने जिसको जो जो अलकाबात दे रखे हैं, किसी को आपने गौसे आदम बना दिया है, किसी को गरीब नवाज बना दिया है, किसी को बंदा नवाज बनाया है, किसी को गंज शक्कर बनाया है, करनी भरनी धरनी वाला, बेड़िए पार लगाने वाला, किश्तिये पार लगाने वाला, सूखी हुई को हरी करने वाला, बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, ये जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की तौहीन हम ना करते हैं न शरीयत ने हमें करने की इजाजत दी है। अल्लाह के औलिया की तारीफ की जाएगी, जो वली से दुश्मनी करता है वो वली से दुश्मनी नहीं कर रहा, वली अल्लाह के रब से दुश्मनी कर रहा है। हम अल्लाह के औलिया की मोहब्बत का दरस देने वाले, अल्लाह के औलिया के प्यार का दरस देने वाले, अल्लाह के औलिया के नक्शे कदम पर चलने का दरस देने वाले, उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। लेकिन लोगों, अल्लाह के लिए
उनकी इज्जत में ऐसा इजाफा न करो कि तुम उनको वलायत के मकाम से उठाकर रबूबियत के मकाम पर रख दो। समझाने के लिए अर्ज करता हूं,